माइसेल्फ असमत और मैं आज आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक डिश गुलाब का हलवा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, 2 कप गुलाब की पत्ती, 1 कप ग्रेटेड बीटरूट, 1 कप ग्रेटेड कैरेट, 2 कप मिल्क, नट्स काजू बादाम पिस्ता अखरोट, शुगर 2 कप, घी 2 से 3 टीस्पून, इलायची दाना 1/2 टीस्पून, प्रेजेंटेशन के लिए चांदी का वर्क। गैस को ऑन करेंगे और इसमें मिल्क ऐड करेंगे। जब मिल्क बॉयल होने लगे फिर इसमें बीटरूट और साथ में कैरेट भी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15-20 मिनट के बाद जब हम ये खोलेंगे तो हमारी सब्जी काफ़ी हद तक की पक चुकी है। इसमें हम गुलाब की पत्ती ऐड करेंगे। हमको इस हलवे को हेल्दी बनाना है इसलिए हमने इसमें कैरेट और बीटरूट का भी यूज़ किया है। इसमें गुलाब की पत्ती डाल दी हमने, अब इसको 10 मिनट तक पकाना है जब तक इसका पूरा दूध सोख ना हो जाए। 10 मिनट के बाद इसका सारा दूध जो है वो सोख हो गया है। अब हम इसमें घी डाल के इसको भूनना शुरू करेंगे। इसमें हम 2 टीस्पून घी डालेंगे पहले और उसके बाद इसको भूनना शुरू करेंगे। जितना अच्छा भुना होगा उतना ही यह टेस्टी बनेगा। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका, इतना प्यारा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में, गुलाब की खुशबू फैली हुई है पूरे किचन में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में भी और खाने में भी, बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है और बच्चे भी इसे पसंद करते हैं। वैसे बच्चे गाजर और चुकंदर नहीं खाते हैं लेकिन इसको इसमें इस तरह से बना के आप दें तो ज़रूर वो खाएंगे। मेरा हलवा अच्छे से भून गया है, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो शुगर का पानी होगा उसी में मेरा हलवा अच्छे से पक जाएगा। हमारा हलवा पूरी तरह से पक चुका है, शुगर इसमें ऐड हो गई है, अब हम इसमें नट्स ऐड करेंगे। फिर इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर एकदम लास्ट में ऐड करेंगे जिसमें इसका फ्लेवर बना रहे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस तरह हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। बाउल में निकाल लें, इस पर थोड़ा सा पिस्ता बादाम अखरोट और चांदी के वर्क से इसको गार्निश करें। इस तरह मेरा गुलाब का हलवा तैयार है। मेरा गुलाब का हलवा रेडी है, इसको ट्राई ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें मेरी रेसिपी को।